नमस्कार। दिनभर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। हर तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी ऑगस्टा घोटाले पर बार बार जवाब देने को मजबूर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आखिरकार इमोशनल कार्ड खेला है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रति उनकी निष्ठा है। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा जी की बहू बनकर यहां आई थी और भारत में ही आखिरी सांस लेंगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी उनकी निष्ठा को नहीं जानते। मोदी और आरएसएस उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारत की हैं और यहीं की रहेंगी। सोनिया ने कहा कि बेशक उनका परिवार इटली में रहता है, उनकी माँ वहां रहती है और इसे लेकर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं है। Of Indira Gandhi. Yes. I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. And it is here, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. The Prime Minister can sink to whichever depths he wishes to challenge. दरअसल वक्त चुनावी है, भावनात्मक आरोप लगते हैं, भावनात्मक जवाब ही दिया जाता है। खबरदार में अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को डिकोड करने वाला विश्लेषण करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया गया। आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैमरों के सामने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियां दिखाई, लेकिन प्रधानमंत्री की ये डिग्रियां भी आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई, जिनकी पीएम की डिग्री पर राजनीतिक पीएचडी अब भी जारी है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। बड़े दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां आई हैं। फरमाइश करने वाले थे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जिनका दिल प्रधानमंत्री की डिग्रियां देखने को इतना बेताब था कि वो पिछले 10 दिन से डिग्री ही रट रहे थे। एनरोलमेंट रजिस्टर देख लिया, कोई एनरोलमेंट रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। अमित शाह और अरुण जेटली ने आज केजरीवाल को पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां दिखा दी। इन डिग्रियों के साथ बाय वन गेट वन की तर्ज पर पहली बार मोदी की बीए वाली मार्कशीट भी दे दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री है, जो उन्हें कला स्नातक यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में मिली है। इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि सन 1978 में परीक्षा के उपरांत कला स्नातक की उपाधि के योग्य सिद्ध होने पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 1979 के दीक्षांत समारोह में उक्त उपाधि प्रदान की गई है। ये डिग्री पीएम मोदी को तृतीय श्रेणी यानी थर्ड डिविजन में मिली है। इस डिग्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन चीफ रजिस्ट्रार और तत्कालीन वाइस चांसलर के हस्ताक्षर हैं और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुहर भी लगी हुई है। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की बीए की मार्कशीट भी दिखाते हैं, जो आज पहली बार बीजेपी ने सार्वजनिक की है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की मार्कशीट है, जिस पर वर्ष 1978 लिखा हुआ है और इसमें पीएम मोदी का रोल नंबर है 16594। इसमें बीए के तीन पार्ट के इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं। कोर्स कॉरेस्पोंडेंट है। कुल 1200 नंबर में से पीएम मोदी को 489 नंबर मिले हैं। अब हम आपको तीसरा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जो पीएम मोदी के बीए पार्ट 2 की मार्कशीट है। ये वर्ष 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को 400 में से 121 नंबर मिले और इसमें उन्हें फेल दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए के कोर्स में 1975 में पहला एग्जाम दिया, उसमें वो पास हुए। दूसरे साल यानी 1976 के एग्जाम में वो फेल हुए। 1978 में वो पास हुए, जिसके बाद उन्हें 1979 में डिग्री मिली।
ये सभी डॉक्यूमेंट आज तक के पास हैं। एक मार्कशीट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह पर नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा है। अमित शाह और अरुण जेटली ने केजरीवाल के बेचैन दिल को करार देने के लिए पीएम की डिग्रियां और मार्कशीट दिखाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को पीएम की डिग्रियां पसंद नहीं आई। फॉर्जरी करने के लिए भी, जालसाजी करने के लिए भी अकल चाहिए। बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव है? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहाँ वो एफिडेविट? ये बीए की डिग्री है 1978 की, इसमें क्या नाम लिखा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ अब एमए की डिग्री, जो कि पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, इसमें क्या नाम लिखा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कोई फर्क नहीं है, तो पहला जो चार्ज था वो झूठा है। आज अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया तो वो दिल्ली आकर एबीवीपी के कार्यालय में रुकते थे। उस वक्त उनके साथ नरेश गौड़ नाम के एक व्यक्ति भी कार्यालय में रहते थे। सबूत के नाम पर नरेश गौड़ को भी सामने लाया गया। और मोदी जी उस समय एग्जाम देने आए थे तो हमारे कार्यालय में रुकते थे। मैंने उनको पूछा, बड़े साधारण से कार्यकर्ता थे, बहुत बहुत जैसे अब साधारण है वैसे बड़े साधारण से हो। और मैंने पूछा आप काय का एग्जाम देने आए? तो उन्होंने कहा मैं बीए का एग्जाम देने आया हूँ। आप एग्जाम दीजिए, कार्यालय में रहिए, भोजन करिए, ये सुविधा हमने उनको उस समय दी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। डिग्री विवाद में पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष एक अलग तर्क सामने लेकर आए। ये 1977 की मार्कशीट है और ये है डिग्री। इस डिग्री में क्या साल लिखा गया? 1978। अभी तक देश को क्या पता था कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में डिग्री हासिल की बीए की? तो मार्कशीट कहती है 1977। मैं आपको दिखाता हूं जो दस्तावेज आपको भी मुहैया कराया गया आज राष्ट्र अध्यक्ष जी द्वारा खुद, उसमें 1978 का भी डिग्री है। आप वो भी डिग्री देख रहे हैं, ये आपके पास भी है, तमाम लोगों के पास है। तो स्वाभाविक रूप से एक डिग्री को नहीं दिखा के केवल कहना कि 77 के ही डिग्री को दिखाया गया, ये तो सरासर देश को मिसलीड करने वाला सब। आम आदमी पार्टी के दो तर्क हैं, लेकिन वो तर्क सीधे कहीं नहीं ठहरते। पहला तर्क, एक मार्कशीट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम के बीच में एक एक्स्ट्रा कुमार का होना। मार्कशीट और दस्तावेजों में अक्सर नाम की गलतियां हो जाया करती हैं। गलतियां जब आधुनिक तकनीक वाले आधार कार्ड में हो जाती हैं, तो ये तो 40 साल पुरानी मार्कशीट है। दूसरा तर्क, मार्कशीट और डिग्री का साल अलग है। डिग्री हमेशा परीक्षा पास करने के बाद ही मिलती है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां और मार्कशीट सार्वजनिक होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर राजनीतिक रिसर्च जारी है। लेकिन इस राजनीति से अलग हम पीएम मोदी की डिग्रियों को डिकोड करने वाला विश्लेषण आपको दिखाते हैं। हमने इस मामले में कई एक्सपर्ट से बात करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की मार्कशीट में वर्ष 1977 में रोल नंबर अलग है और वर्ष 1978 में रोल नंबर अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के मुताबिक बीए के 3 वर्षों में रोल नंबर एक ही होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री होने पर रोल नंबर बदल भी जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर एक होना चाहिए। पीएम के वर्ष 1977 की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी नाम लिखा है, वर्ष 1978 में सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। विशेषज्ञों के मुताबिक परीक्षा में फॉर्म भरते वक्त छात्र जिस नाम से फॉर्म भरते हैं, मार्कशीट उसी नाम से आती है। अक्सर कई छात्र नाम में या उसकी मात्राओं में गलती करते हैं, कई बार मार्कशीट में टाइपिंग की भी गलती होती है। छात्र तभी नाम में करेक्शन करवाते हैं जब अलग अलग नामों की वजह से उन्हें कहीं मुश्किल पेश आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन में मौजूद हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वर्ष 1971 से डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 3 वर्ष के ग्रेजुएशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। डीयू के आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है। पीएम मोदी ने वर्ष 1978 में बीए पास किया और इसके एक वर्ष बाद 1979 में उन्हें डिग्री दी गई थी। डीयू के रिकॉर्ड में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा है और इसी नाम से उन्हें बीए की डिग्री दी गई थी। जिस रोल नंबर और नाम पर मोदी ने वर्ष 1978 में बीए पास किया, मार्कशीट और डिग्री पर वही रोल नंबर और वही नाम है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दो हफ्ते से पीएम की डिग्री पर राजनीतिक बहस में इतनी ऊर्जा क्यों लगाई गई? क्या देश में आम आदमी से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान हो गया? ये तीखे सवाल हैं जिनके बारे में हमारे नेताओं को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोगों से जुड़े सवालों पर बहस होने पर नेताओं को अपने राजनीतिक नंबर कट जाने का डर होता है। ये देश की राजनीति के अच्छे दिन हैं या बुरे दिन, ये आप तय करिए, क्योंकि जब वक्त ऐसा आ जाए कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियां कैमरे के सामने सबूत के तौर पर दिखाई जाने लगे और ये कहा जाए कि नहीं प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहे, तो ऐसी राजनीति से कौन बचाएगा? श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? डिग्री पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी मानने को तैयार, पीएम की डिग्री असली है। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिग्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके रख देंगे और उसको देश की जनता और आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे कि वो डिग्री सच है। दिस कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी सेवरल ऑफ हूज एमएलएज आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर डिस्क्लोजिंग फेक डिग्रीज। और मैं मानता हूं कि ये जो एडवेंचरिज्म की राजनीति है, इसको गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट बनाने का एक प्रयास है। पिछले दो हफ्ते से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पीएम की डिग्री पर राजनीतिक युद्ध छिड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई जानकारी में पीएम की डिग्री की डिटेल मांगी थी। सूचना आयोग ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑर्डर कर ये डिटेल देने को कहा था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने तो बता दिया कि पीएम ने 62% मार्क्स से एमए पास किया है, लेकिन डीयू ने ये डिटेल देने से इनकार कर दिया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाने शुरू किए कि पीएम की डिग्री पर जानकारी छिपाई जा रही है। 1978 में पीएम मोदी ने नहीं, किसी और मोदी ने डीयू से बीए की डिग्री ली थी। इन आरोपों के बीच राजनीतिक नंबर बढ़ाने की कोशिश हुई, जिस पर आज बीजेपी पीएम की डिग्री जारी करके फुल स्टॉप लगाने को मजबूर हुई। इतने कष्टों के बावजूद जो पढ़ना चाहता था एक्सटर्नल कैंडिडेट बन के पढ़ता रहा और जिन्होंने इतनी डिग्री हासिल की अपने दम के ऊपर, आज उस व्यक्ति के पैरों को आप खींच रहे हैं। आप केवल इसलिए कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को आप बचा सके, केवल इसलिए। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि वो पीएम की डिग्री के मामले में मानहानि का केस नहीं करेंगे। रोल नंबर के साथ डिग्री सबके सामने है, जिसको इसकी सत्यता की पुष्टि जांचनी है वो जांच कर सकता है। मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। देर आए पर डिग्री लाए वाली बात पहले भी हो सकती थी, ये बात उतनी ही कड़वी है जितनी ये कि पीएम की डिग्री पर पॉलिटिक्स ने राजनीति में बहस के स्तर को नीचे किया है, जिस बहस की ऊर्जा देश के बुनियादी मुद्दों में भी लगाई जा सकती थी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, सत्ता का नशा उससे भी बुरा होता है। बिहार में नीतीश सरकार ने शराब के नशे पर तो बैन लगा दिया, लेकिन सत्ता के नशे पर नकेल कसने में नाकाम हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि गया में एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसीलिए अब हम सत्ता के इसी कातिलाना नशे का विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार के गया में 45 घंटे बाद भी कानून के लंबे हाथ जेडीयू नेता मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, जिस पर आदित्य सचदेव नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। दरअसल ये घटना शनिवार रात की है, जब गया में एक स्विफ्ट कार ने रॉकी यादव की रेंज रोवर कार को ओवरटेक किया। इस बात पर रॉकी यादव को अचानक सत्ता का नशा चढ़ गया। आरोप है कि रॉकी यादव ने गुस्से में गोली चला दी, जो स्विफ्ट कार में बैठे आदित्य के सिर में जाकर लगी। पुलिस की जांच में पता चला कि रॉकी यादव जेडीयू एमएलसी मनोरमा यादव का बेटा है। मनोरमा यादव के पति बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदु यादव इलाके के बाहुबली हैं
पुलिस जब रॉकी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो रॉकी फरार हो चुका था। पुलिस ने रॉकी को फरार करने के आरोप में उसके पिता और माँ के सरकारी सिक्योरिटी गार्ड राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड घटना के वक्त रॉकी के साथ मौजूद था। घटना के बाद से ही आदित्य के परिवार में मातम पसरा हुआ है। आदित्य के माता पिता अपने बेटे के गम में रोते रोते बेसुध हो रहे हैं और होश में आने पर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमारे बेटे को इंसाफ। ये एक माँ के मन की असहनीय पीड़ा है जिसने अपना जवान बेटा खोया है। काली नेताओं को रहने दो बिहार से, हम शरीफ लोगों को भगा दो या तो कि हम लोग की जगह बना दो, मैं नहीं रह सकते। एक ये माँ है जो हत्या के आरोपी अपने बेटे को कानून के हवाले करने के बजाय उसे बचा रही है। फरार नहीं है, आज FIR हुआ, अब हाजिर होगा पुलिस के सामने। ये वो पिता है जो अपने बेटे के हत्यारों को पकड़ने की गुहार लगाते लगाते बेसुध हुए जा रहे हैं। और एक ये पिता है जो अपने कातिल बेटे को कानून से भगाने के आरोप में जेल जा चुका है। एकदम निर्दोष से हमको 48 घंटा से रखे हुए हैं और हमारा बेटा को ऐसा पता नहीं चल रहा है। बिहार के गया में शनिवार की रात जो गुनाह हुआ उसकी आग में पूरा शहर अभी भी जल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अपराध कम नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो सोच समझकर कोई बात रखता है और जब गंभीरता पूर्वक रखता है, वह कभी दावा नहीं कर सकता है कि कोई आपराधिक घटना घटेगी नहीं। आपराधिक घटनाओं के घटने के अनेक कारण होते हैं। गया में शनिवार रात जेडीयू MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने साइड ना देने पर हुई कहा सुनी के बाद आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी। रॉकी शनिवार रात 11 बजे अपनी 50 लाख की नई लैंड रोवर कार से जा रहा था। एक स्विफ्ट कार ने उसकी लैंड रोवर कार को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने पर रॉकी को गुस्सा आ गया। कार को ओवरटेक कर रॉकी ने स्विफ्ट कार को रोका। स्विफ्ट कार में बैठे लड़कों और रॉकी के बीच बहस हुई। इसके बाद स्विफ्ट कार में सवार लड़के आगे बढ़े तो रॉकी ने पीछे से स्विफ्ट कार पर गोली चलाई जो पीछे बैठे आदित्य सचदेव को लगी। करीब 20 साल के आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रॉकी मौके से फरार हो गया। वापस आ रहे थे बोधगया से, उस टाइम एक गाड़ी आ रही थी, उसने अचानक पीछे से आकर हम लोग ने उसे ओवरटेक किया हल्का। उसके बाद वो लोग अचानक पीछे से, हम लोग जब पुलिस लाइन की ओर मुड़े तो उन्होंने एक हवा में फायरिंग की। उसके बाद हम लोग ने जब गाड़ी साइड में लगाई तो वो जो भैया लोग आगे बैठे हुए थे वो दोनों को पहले, वो लोग ने पहले जब वो अपना मिरर नीचे किए, वो विंडो मिरर, तो उसके बाद उन लोग ने हाथ चलाया उन पे, उसमें से फिर ये सब हुआ तो भैया ने आगे गाड़ी बढ़ाई तो पीछे कुछ थे, कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया। हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे उसी में उसके। आदित्य की हत्या के बाद से अब तक रॉकी फरार है। आरोप है कि रॉकी को भगाने में उसके पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव का हाथ है। इसीलिए पुलिस ने बिंदी यादव और मनोरमा देवी के सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ना उसका यह भी दायित्व बनता था कि अगर जिस व्यक्ति, एक तो गलत साथ में था उनके लड़के के साथ, और दूसरा अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो एज ए पुलिसमैन उसकी ड्यूटी थी कि उसको प्रिवेंट करना, जिसमें उसने ऐसा नहीं किया। दैट इज वाई वी आर चार्जिंग हिम ऑल्सो और उसको भी सेंट अप कर रहे हैं, ही हैज बीन अरेस्टेड। रॉकी फरार है इसीलिए पुलिस ने बिंदी यादव को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन बिंदी यादव और मनोरमा यादव अभी भी अपने बेटे को दूध का धुला साबित करने से बाज नहीं आ रहे। तो जो कुछ अरेस्ट किया गया हमको कैसे निवारण कोई जानकारी नहीं है, हमको पकड़ के रखा गया, हमको छोड़ दिया, सब लोग पता करते हैं कहाँ। हमको सर तो नहीं लगता है कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं, यहाँ नहीं था, वो बाहर था, यहाँ था ही नहीं।
हत्या के आरोपी रॉकी को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी जारी है, लेकिन रॉकी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी को मुद्दा बनाते हुए अब राजनीति भी शुरू हो गई। आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने लालू यादव और नीतीश कुमार के पुतले फूंके। कई जगह तो हालात बेकाबू भी हो गए। पूरे राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में, आदित्य राज्य के हत्या के हत्यारे को गिरफ्तार न किए जाने के विरोध में, और जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, गया सहित पूरे राज्य में भय आतंक का माहौल कायम हो गया है। आज लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं हत्यारा फरार जाकर के। आज हम लोगों ने इस बढ़ते अपराध के खिलाफ नीतीश सरकार ने अपराध को रोकने में उनके विफलता के विरोध में आज पूरा बिहार जल रहा है। अब तक आरोपी रॉकी को गिरफ्तार न कर पाने की वजह से पुलिस पर उंगलियां भी उठ रही। विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन। आदित्य की हत्या हुए 45 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इन 45 घंटों से आदित्य का परिवार सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है, आदित्य के हत्यारे को पकड़ो। कुमार अभिषेक, गया आज तक। कहते हैं बेटा पिता के नक्शे कदम पर ही चलता है। आदित्य की हत्या के फरार आरोपी रॉकी यादव पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि उसके पिता बिंदी यादव पर मर्डर और किडनैपिंग के कई केस दर्ज हैं। बिंदी यादव पर कम से कम 17 आपराधिक मामले। बिंदी यादव को गया जिले में बाहुबली माना जाता है, उस पर नक्सलियों को हथियारों की सप्लाई करने का भी आरोप है। बिंदी यादव लंबे वक्त तक देशद्रोह के आरोप में गया जेल में बंद रहा है। बिंदी यादव को गया में एंट्री माफिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार झारखंड की सीमा से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। लेकिन अपने बेटे की करतूत की वजह से बिंदी यादव अब जेल की हवा खा रहे हैं, जबकि जेल में उसके बेटे रॉकी यादव को होना चाहिए था, जिसने अपने पिता की तरह ही सत्ता के नशे में एक छात्र की जान ले ली। बात चली है तो फिर दूर तलक जाएगी। बिहार में जब सरकार चलाने वाले विधायकों के दामन ही अपराध की छींटों से सने हों, तो लोगों को सुशासन के सपने मुंगेरी लाल के सपनों जैसे ही लगते हैं। वैसे मुद्दा उठा ही है तो आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक बिहार के 243 विधायकों में से 142 पर आपराधिक केस दर्ज हैं, यानी 58% विधायक दागी हैं। 142 दागी विधायकों में से 70 विधायकों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। 98 विधायकों पर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। 11 विधायकों पर हत्या का केस चल रहा है, 29 विधायकों पर हत्या की कोशिश का केस है, 3 विधायकों पर रेप, यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप है, 4 विधायकों पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के केस चल रहे हैं, 10 विधायकों पर किडनैपिंग के केस हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो RJD के 80 में से 46, JDU के 71 में से 37, BJP के 53 में से 34, कांग्रेस के 27 में से 16 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। यानी बिहार के दागी विधायकों को ध्यान में रखकर यह कहा जाए कि बिहार विधानसभा पर दागी विधायकों का कब्जा है, तो यह गलत नहीं होगा। गया में हुई घटना में एक बार फिर देश की सड़कों पर गुस्से में गाड़ी चलाने वालों लोगों की सोच को उजागर कर दिया है, जो छोटी छोटी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। भारत में रोड रेज की घटनाओं पर अभी तक कोई सर्वे सामने नहीं आया है। हालांकि रोड रेज वाली मानसिकता सिर्फ भारत के लोगों में नहीं पाई जाती, पूरी दुनिया में रोड रेज की घटनाएं होती। हाल ही में ब्रिटेन में 1000 ड्राइवरों पर एक सर्वे हुआ, जिसमें 81% ड्राइवरों ने कहा कि वो कभी ना कभी रोड रेज के शिकार बने हैं। 50% लोगों ने माना कि सड़क पर उनकी दूसरे ड्राइवर से बहस हुई। 5 में से 1 ड्राइवर बहस करने के लिए अपनी कार से निकलकर बाहर आया। 74% ड्राइवरों ने माना कि रोड रेज की घटनाएं खराब ड्राइविंग की वजह से हुई। 30% ड्राइवरों ने कहा कि उनके साथ रोड रेज की घटना धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से हुई। भारत के हालात भी इससे बेहतर नहीं कहे जा सकते। तो आखिर सड़कों पर लोग इतने बेसब्र क्यों हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिल्ली में 500 ड्राइवरों का सर्वे किया गया। इसमें पता चला कि सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम अक्सर रोड रेज की घटनाओं की वजह बन जाते हैं। कई बार ट्रैफिक का लेन में न चलना भी रोड रेज की वजह बनते हैं। जबकि लोगों को रेड लाइट पर लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, जो कई बार रोड रेज की वजह बनता है। सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना भी कई बार रोड रेज
के पीछे होता है, यानी रोड रेज सिर्फ मानसिक समस्या नहीं, इसके पीछे सिस्टम की खामियां भी हैं जो सड़क पर कई बार लोगों को गुस्सा करने पर मजबूर कर देती हैं। अब आपको आज के दिन की सबसे खास तस्वीर दिखाते हैं जो सीधे अंतरिक्ष से आई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसमें बुध ग्रह सूर्य के सामने से गुजर रहा है। इस अद्भुत नजारे का वीडियो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी किया है। आज दोपहर 4:42 पर बुध ग्रह सूर्य के सामने से गुजरा। इससे पहले ऐसी घटना साल 2006 में हुई थी। बताया जाता है कि 100 साल में सिर्फ 13 बार बुध ग्रह सूर्य के आगे से गुजरता है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।